Akbar and Birbal. लगता है ये मौका अच्छा है उसकी खिंचाई करने का। बीरबल, हमें जरा पानी पिलाओगे? बीरबल, तुम तो पूरे खाऊ हो, देखो कितने खजूर खा चुके हो तुम। हुजूरे वाला, मैंने तो सिर्फ खजूर ही खाए, लेकिन आप तो गुटलियां भी खा गए। जहां पना करामती संदूक तैयार है। दिखाओ तो, ये काम कैसे करता है? लाजवाब, यही तो चाहिए था। बीरबल, उस संदूक से एक सेब निकाल कर देना। तो अभी लेकर आता हूं हुजूर। कहो बीरबल, कैसी रही? बहुत ही खूब हुजूरे वाला, तरकीब बहुत ही लाजवाब है। दरबार में जाने की बजाय तुम ये अजीब चीजें बनाने में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? शहंशाह ने मुझे नीचा दिखाया है और अब मेरी बारी है उन्हें सबक सिखाने की, और ये सारी चीजें उन्हें डराने में मेरी मदद करेंगी। उन्हें नीचा दिखाने से बाज नहीं आओगे, बेहतर होगा दरबार जाना शुरू कर दो। जरूर जाऊंगा, एक महीने की छुट्टियां तो खत्म हो जाए। क्या खबर लाए हो इब्राहिम? कुछ भी तो खास नहीं, लेकिन इरशालु दरबारी आपके गैर मौजूदगी से काफी खुश हैं। कल शहंशाह के साथ शिकार पर जाने को लेकर वो बहुत उत्सुक हैं। वाह, क्या बात है, तुम बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हो। वो रहा।
यहाँ से और आगे मत जाइए जहाँ पना, आगे खतरा हो सकता है। नहीं, हमें वो हिरन चाहिए किसी भी सूरत में। रात हो गई है मगर शहंशाह अब तक नहीं आए। बस वो खैरियत से हो। घबराओ मत, सिपाही हिफाजत के लिए उनके साथ है। सिपाहियों, शहंशाह कहाँ है? वो हिरन का पीछा करते जंगल के बहुत अंदर चले गए। हम उनके ही साथ थे मगर ना जाने वो अंधेरे में कहाँ चले गए। बेवकूफो, तुमने शहंशाह को अकेले नहीं छोड़ना था। सिपाहियों, सिपाहियों, सिपाहियों। कौन है, कौन है? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? जानते नहीं कि मैं शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हूँ, इस पूरी सल्तनत का शहंशाह। तुम्हारा हुक्म तुम्हारी सल्तनत में चलता होगा, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। मैं इस जंगल का राक्षस हूँ। तुम मेरी सल्तनत में क्या कर रहे हो? मैं तो यूं ही शिकार करने आया था। शर्म आनी चाहिए, तुम यहाँ मासूम जानवरों को मारते हो और अपने राज्य की जनता को तुम डराते हो, उन पर अत्याचार करते हो। देखिए, आपको ऐसा कहने का कोई हक। ऊंची आवाज में बात मत करो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी क्या हालत होने वाली है। तुमने मेरी सल्तनत के बहुत से जानवरों को मारा है, बदले में अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। मुझे मारोगे? नहीं, मुझे मत मारो। रहम करो, माफ कर दो मुझे, आइंदा मैं ऐसी गलतियाँ कभी नहीं करूँगा। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुरंत इस जंगल से भागना शुरू करो, ठीक वैसे ही जैसे वो हिरन अपनी जान बचाने के लिए भागा। जल्दी करो। शहंशाह सलामत रहे। बीरबल, संदूक में रखे सेब ने तुम्हें इतना डरा दिया कि तुम पूरे एक महीने अपने घर में छिपे रहे। आप ठीक कहते हैं हुजूर, लेकिन मैं हिरन की तरह भागा तो नहीं। बीरबल,
कहिए हुजूरे वाला। बीरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं।